तो यार भाई लोग कैसे हो? I hope तुम लोग हमेशा की तरह बढ़िया होगे। तो यार तुम्हारे भाई का आज 1K सब्सक्राइबर हो चुका है। तो यार वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो यार आशा है कि आप लोग ऐसा ही प्यार बनाते रहोगे आगे भी। तो भाई लोग आप लोग मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मैं आपके लिए रोज़ नए बनाते रहूँगा। तो यार अब प्रमोशन की बात बहुत ज़्यादा हो गई, तो यार अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यार इस मैच में हम लोग यहाँ पे पुचिंग की आ रखे हैं। पुचिंग की मैं यार बहुत बंदे आ रखे हैं और मुझे उतरते साथ ही एंकर मिल जाए तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यार तुरंत मैं गोली गोली उठा लेता हूँ और चलता हूँ बंदे ढिलाने। तो भाई लोग जैसे ही मुझे गन मिलती है तो मुझे पता चलता है कि एक बंदे ने लेट लैंडिंग की है और वो हमारे बगल वाले घर में घुसा हुआ है। तो यार चलो ढूंढते हैं उसे। तो यार जैसे मैं इस घर पे आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ पता चलता है हमारे भाई यहाँ से खिड़की से कूद के वापस उसी जगह पर चले गए हैं जहाँ से मैं आया था। तो यार ये पकड़ा पकड़ाई का खेल बहुत हो गया, अब चलते हैं उन्हें ढूंढने। तो भाई लोग आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो यार गया लेकिन अभी तक उन्हें खत्म कर देते हैं। तो भाई लोग देख रहे हो ना हमारे भाई को एक भी गन नहीं थी हाथ में, इसीलिए यहाँ नॉक पड़े थे वो। तो यार जल्दी से डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही मजाक कर देता हूँ, असल में बात यह है कि हमारे भाई चलते फलते ढिलते रहते हैं। तो यार कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। तो भाई लोग यहाँ पे हमारे भाई को गन मिल जाती है तो मैं अपने बचने का तो कोई भी चांस नहीं था यार। तो लेकिन जैसे तैसे हमने से इन्हें फेर दिया और यार अब सांस में सांस आई है। तो मैं यहाँ से आगे निकल ही रहा था कि मुझे आगे एक बंदा भागता हुआ दिखता है, वो भी निकल। यार तो मुझे यहाँ पे इसे ख़त्म करते करते कोई टीपी पटका रहा था, तो यार देखना पड़ेगा उसे कौन है वो। तो यार मुझे ये बंदा स्पॉट हो जाता है, बिल्कुल टीपी पी ले रहा था खिड़की में लेट के। तो मैं इन्हें बाहर से ही करता हूँ लेकिन इनका कुछ भी नहीं उखड़ता, तो यार घुस के पेलना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे दोनों भाई यहाँ पे कैंप करके लेट पड़े थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे। देख लो किल का लालच कितना बड़ा हो सकता है। और अगर अभी भी आपको नहीं पता चला किल का लालच कैसा होता है तो यार हमारे भाई को देख लो, मतलब पेटी पड़ी है उनकी और हम लूट रहे हैं। मतलब हमारे भैया तो भूल ही गए थे कि यहाँ पुचिंग की है, कैंपस का शहर। बिल्कुल ही धैर्य पर ऊपर चढ़ गए और यार किल की लालच में कि मुझे ही किल मिलनी चाहिए और यार अपनी पेटी बनवा लिया यहाँ पे। तो यार मैं अपनी हेल्थ वेल्थ बूस्ट वूस्ट पूरी मार रहा था कि नीचे एक गाड़ी आती है पूरी फैमिली भर के। देखो तो यार कैसे पेलते हैं हम उन्हें, मैं यहाँ पे 300 IQ लगा ही रहा होता हूँ। तो यार यहाँ पे मुझे पता होता है कि वो बिल्डिंग के छत पे ज़रूर चढ़ेगा वो बंदा, तो यार उस बंदे ने वही गलती किया। तो यार मैं यहाँ पे एकदम रेडी बैठा था। तो भाई लोग मेरी IQ का अंदाज़ा तुम्हें तो ज़रूर यहाँ पे हो गया होगा। तो यार मुझे यहाँ पे ये बंदा पहले तो यहाँ पे मैं पूरी फ्री फायर दे के घुसने लगता हूँ। मुझे लगता है ये बंदा यहाँ पे टीपी भी ले रहा होगा लेकिन यार वो यहाँ नहीं मिलता है और हमारे तो यार यहाँ पे क्रॉचिंग फायर और तेजिकल मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मेरे को। तो भाई लोग मैं यहाँ पे अपने भाई को रिवाइव दे रहा था कि यहाँ पे मेरे पे एक बंदा चौड़ में रश कर देता है। तो यार जितने रश करने के लिए उतने ही चौड़ में हमने इन्हें वापस लॉबी पहुँचा दिया है। तो भाई लोग मुझे अभी तक उस बंदे का यहाँ पे किल नहीं मिला है, तो यार देखना पड़ेगा कि क्या ही चल रहा है यहाँ पे।
तो भाई लोग मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ और मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पे कोना में नॉक हुए पड़े बैठे हैं। तो यार मुझे लगा कि अपने टीममेट का इंतजार कर रहे हैं। तो यार मैं इन्हें बात करने की कोशिश हेलो करता हूँ लेकिन कोई रिप्लाई भाई, नहीं आता है, हेलो तो हेलो, यार मैं इन्हें खत्म कर देता हूँ। सुन रहा है कर रहा है कर रहा है तुम। तो यार इस बंदे के मरते ही मुझे नीचे से बहुत सारी फुटप्रिंट आने लगती है। तो यार मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ टीपी लेके। तो यार यहाँ पे इसके लक्षण से लग रहा था कि ये बहुत बड़ा बॉट होने वाला है। और हमारे भाई भी बोल रहे थे कि यार ये बॉट है, टेंशन मत ले, हलवा की तरह पे लेंगे। लेकिन यार यहाँ लेने की देनी पड़ जाती है। तो यार इसी तरह कोचिंग की यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम लोग निकल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। तो यार हम लोग यहाँ पे घर उड़ाते उड़ाते स्कूल पहुँच जाते हैं। मुझे यहाँ पे बंदे की बहुत सारी फुटप्रिंट आने लगती है और यहाँ पीछे से मुझे एक बहुत परेशान करता है जो कि झाड़ी में छुपा पड़ा था। भागते हैं तो यहाँ पे मुझे एक बंदा भागते हुए दिखता है। तो यार पकड़ने शौक मत होना, मुझे भी यहाँ पे पता नहीं चला कि कहाँ से मुझे पड़ी है। तो भाई लोग यहाँ पे मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है। तो यार मैं हेल्थ अपनी भरने लगता हूँ और उतने में ही हमारे भाई उसे ठिला देते हैं। तो यार इतना डैमेज देना बेकार पड़ जाता है। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो यार स्कूल के बंदे को निपटा के हम लोग यहाँ पे रिजॉर्ट की पहाड़ी आ चुके थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट भी चल रहा था। तो यार मैं यहाँ पे पहाड़ी से हिलकने की कोशिश बहुत करता हूँ, उतने में ही मुझे पड़ जाती है और मुझे पीछे ठेल दिया जाता है। तो यार हम भी ठहरे डीट, हम लोग भी हेल्थ लेके वापस हिलकने जाएंगे। लेकिन यार उतने में ही यहाँ पे एक बॉट आ जाता है और मुझे परेशान करने लगता है। तो यार उसे ख़त्म करते। तो भाई लोग पीछे से कुछ नहीं उगड़ने वाला था। तो यार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे मुझे दिखते हैं वो भाई लोग छत में उछल कूद करते हुए। तो यार पकड़ते तो यार मुझे आगे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे एक ही भाई थे तो यार जिसे हमने पहले ही नॉक कर दिया था। तो यार इन्हें ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पहुँचते ही हमारे भाई खुद से गिराने लगते हैं अपनी बैग की सारी चीज़ें। तो यार मैं उन भाई को बोलना चाहता हूँ कि यार आपकी पेटी बना देने के बाद हम खुद उसे लूट लेते, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो भाई लोग रोज वॉक में होते हैं तो यार हम लोग फ्लेयर के साइड आ जाते हैं। और यार यहाँ पे हमारी ये कोशिश रहती कि कोई लालची बंदा टॉप के पास जाए और उसे हम पकड़ ले। तो यार कद्दू भी यहाँ पे कोई नहीं आता तो जाके ही रश करना पड़ेगा। तो यार हम लोग अपनी गाड़ी उठा लेते हैं और बंदे की मुंह के सामने जाकर रश करने लगते हैं। तो यार मुझे लगता है कि बाहर में ही बंदे होंगे। तो यार मैं गाड़ी से टिकट टिकट इधर उधर देखने लगता हूँ लेकिन यार मुझे कोई भी नहीं दिखता। तो यार मुझे लगता है कि घर के साइड बंदे होंगे। और यहाँ हमारे भाई बोलते हैं कि यहाँ पे एक बंदा पीली सूट पहन के बैठा पड़ा है। तो यार चलते हैं उसको बचाने अपनी। तो भाई लोग मुझे हमारे भाई रिलोड कर, आपको तो यहाँ से पता चल गया होगा कि हम 249 का क्या नुकसान है। तो यार मुझे यहाँ पे लगा था कि एक ही बंदा है यहाँ पे लेकिन यार मुझे पीछे से पता नहीं कहाँ से पड़ जाती है, वो बंदा पत्थर के पीछे बैठा पड़ा रहता है। लेकिन यार यहाँ पे हमारे भाई मरने वाले थे तो यार झट से इन्हें रिवाइव दे देते हैं। तो भाई लोग इस मैच में हमारी किस्मत चमक जाती है। तो यार देख लो तुम खुद से ही। तो भाई लोग मैं इस चमत्कार के बारे में बात कर रहा था, मतलब वो बंदा हमारे मुंह के सामने नेट करता है लेकिन हमारा कुछ भी नहीं उखड़ता, मतलब बाल भी बाका नहीं करता बंदा हमारा। तो यार ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो यार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत सीन होने वाला है, मतलब यहाँ दो तीन टीमें आ जाती है थर्ड पार्टी करने और हम लोग चारों ओर से घिर जाते हैं। तो यार यहाँ पर हम लोग अपने सारे स्मोक लगभग यूज़ कर लेते हैं। यार यहाँ इधर उधर से बहुत सारी बात आ रही थी और हम लोग दोनों तरफ से मुझे एक बॉट दिखता है, बिल्कुल सांप बना पड़ा था। मतलब यार आजकल बॉट भी सांप बनने लगे हैं, मतलब संभल के रहना पड़ेगा बॉट लोग से। तो
तो यार मैं यहाँ सोचता हूँ कि मुझे खबर में चल जाना चाहिए। मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, तुरंत खबर में चले जाओ। लेकिन यार दूसरा भाई भी यहाँ पे आ जाता है, तो भाई लोग मुझे पता चल जाता है कि हमारा बचने का कोई भी चांस। तो भाई लोग आज के वीडियो पे इतना ही, और यार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और यार पसंद आई हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब।